भारतीय गौरक्षा वाहिनी जो एक राष्ट्रीय संगठन है, इसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री उनके पहल पर रोहतास और औरंगाबाद जिला के जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं सरदार खां साहब और उनके तमाम सहयोगियों ने NDA के उम्मीदवार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा बालाघाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका समर्थन आज किया है और औपचारिक समर्थन अनकंडीशनल सपोर्ट है। और चूँकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 400 पार का नारा है, उनके साथ उस नारे को पूरा करने के लिए और काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को चूँकि 2014 से 2020 तक जो विकास कार्य माननीय उपेंद्र कुशवाहा कहा है, चाहे वो गाजियां नगर रेल कारखानों को खोलने के सिलसिले में, केंद्रीय विद्यालय खोलने के सिलसिले में, इन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों ने समर्थन का ऐलान किया। हम इनके समर्थन का स्वागत करते हैं और प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि इनके कार्यकर्ता पूरी ताकत पूरी शिद्दत के साथ हमारे साथ लगे हुए हैं और माननीय उपेंद्र कुशवाहा को जीत दिलाने के साथ साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प। भारतीय गौरक्षा वाहिनी जो एक राष्ट्रीय संगठन है, इसके अध्यक्ष माननीय सरकार जी हैं राकेश परिहार जी, उनके पहल पर रोहतास और औरंगाबाद जिला के जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं सरदार खां साहब और उनके तमाम सहयोगियों ने NDA के उम्मीदवार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जो काराघाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका समर्थन आज किया है और औपचारिक समर्थन अनकंडीशनल सपोर्ट है। और चूँकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 400 पार का नारा है, उनके साथ उस नारे को पूरा करने के लिए और काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को चूँकि 2014 से 2020 तक जो विकास कार्य माननीय उपेंद्र कुशवाहा का रहा है, चाहे वो डालमिया नगर रेल कारखाना को खोलने के सिलसिले में, केंद्रीय विद्यालय खोलने के सिलसिले में, इन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों ने समर्थन का ऐलान किया। हम इनके समर्थन का स्वागत करते हैं और प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि इनके कार्यकर्ता पूरी ताकत पूरी शिद्दत के साथ हमारे साथ लगे हुए हैं और माननीय उपेंद्र कुशवाहा को जीत दिलाने के साथ साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प।